कहानी शुरू होती है वहां से कि एक डेढ़ दशक पुराना घर था, एक डेढ़ दशक पुराना घर था और उस घर में चार दशक पुरानी महिला थी। लेकिन उस औरत के चेहरे पर खिंची लकीरें उस घर जितनी ही पुरानी थी। वो एक खूबसूरत घर हुआ करता था। घर के कोने कोने में उस महिला के हाथों से तराशे गए ईंट पत्थर जो थे, एक किनारे पर एक नवविवाहिता की तस्वीर, शायद उसकी बेटी की थी, छोटे से कमरे में करीने से रखे गए सामान उसकी मौजूदगी का एहसास भी कराते रहते, साथ ही साहब के कपड़े भी लोगों की मौजूदगी का एहसास करा रहे हैं और तमाम फैले हुए छोटे छोटे खिलौने उन छोटे बच्चों की बाकायदा कहानी कह रहे हैं, साथ ही उस फैलाव को समेटती और उस मकान को घर बनाती हुई यहाँ से वहां घूमती एक खूबसूरत औरत थी। अपनी उंगलियों पर डस्टर समेटे हुए यहाँ से वहां घर के ओने कोने पर धूल साफ करती, हर सामान को उसकी अपनी जगह पर करीने से रखती हुई, खुद के बनाए हुए लजीज खाने को हरे बारीक कटे धनिया से सजाती हुई, सबको खिलाने के बाद सबके चेहरे की तृप्त मुस्कान को अपने चेहरे के लिहाब पर ओढ़कर सोती हुई वो महिला। ऐसा नहीं था कि वो अपनी दिनचर्या छोड़कर कभी बाहर नहीं जाती थी। वो जाती थी लेकिन उसके घर पर छूट जाता था उसका वो 1/4 हिस्सा। वो घर पर छूट जाता था उसका वो 1/4 हिस्सा जो हमेशा उससे जुड़ा रहता। वो हिस्सा उसके लिए एक सेफ्टी अलार्म की तरह काम करता। एक नियत समय होने के बाद वो झंझना उठता और वो बेताब हो उठती अपने उस हिस्से से मिलने के लिए। घर की दहलीज पर पैर रखते ही दोनों हिस्से चुंबकीय गति से एक दूसरे से मिल जाते और वो राहत की सांस लेती, स्कूल से लौटे अपने बच्चों को बाहों में भर लेती और साहब का इंतजार करती रहती। बच्चों की आंखें अपनी मासूम सी मांग, मुझे लगता है कि यहाँ सारे जितने भी हैं उन सबकी अपनी माँ से एक मासूम सी मांग रहती थी और वही ये मांग है कि बच्चों की आंखें अपनी मासूम सी मांग को पूरा होते ही चमक उठती कि दिन भर माँ कहीं भी रहे पर जब वो स्कूल से लौटे तो माँ घर पर मिले। शायद यही हिदायत साहब की भी थी। इन हिदायतों और फरमाइशों की सुनहरी चकाचौंध में उसके एक हिस्से का अंतर बहुत ज्यादा बढ़ गया और अब उसका ज्यादातर समय इसी बात में बीतता कि उसने अपना हिस्सा कहाँ रख दिया। अपने साड़ी के पल्लू को हाथ में समेटे वो कुछ न कुछ ढूंढती रहती। वो बच्चे जो बच्चे नहीं रहे वो कभी कभी पूछते, माँ क्या छुपा रही हो पल्लू में? वो सोचती कि बता दूंगी पर तब तक बच्चे खुद ही कह देते कि समथिंग पर्सनल मॉम कैरी ऑन। लेकिन उसका क्या खो गया था, इससे किसी को लेना देना नहीं था। अब वो रह गई थी सिर्फ 3/4 औरत।